अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में ज़ीशान अल्ताफ फुटेज में आप देख रहे हैं ज़ीशान अल्ताफ फिक्स। आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक न्यू कीबोर्ड लेकर आया हूं। सो गाइज, इससे पहले भी मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बट ये वाला जिन सा कीबोर्ड है काफ़ी इंटरेस्टिंग कीबोर्ड है, मैंने खुद भी इसे यूज़ कर रहा हूँ, पर्सनली मैंने डाउनलोड किया है। सो गाइज, आप लोग जैसे भी मेरी स्क्रीन देख सकते हो, मैं काफ़ी अच्छी से टाइपिंग वगैरह कर रहा हूँ, सेम इसी तरह की टाइपिंग आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपको ये कीबोर्ड चाहिए तो आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना होगा। सो गाइज, अभी तक आप चेक कर सकते हो कैसी अच्छी जो इसमें कीबोर्ड इमोजीज वगैरह सब कुछ इसमें आप लोग लगा सकते हो। बहुत ज़बरदस्त कीबोर्ड है ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कीबोर्ड तो आपने चेक कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको जिन टाइपिंग वगैरह है अच्छी लगेगी। सब हम चलते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा कीबोर्ड, इसका नाम क्या है, कैसे डाउनलोड होगा, इसका जिनसा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो जैसे हम लोग बैक आ गए, आपको दिखा देते हैं। सो गाइज, जिनसे ये वाला कीबोर्ड है कस्टम की, ये वाला जिनसे कीबोर्ड है, ये जिनसे आपको है प्ले स्टोर से तो बिल्कुल नहीं मिलने लगा। सो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। सो गाइज, काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। सबसे पहले जिनसे मैं इसका जिनसे डाटा है मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि जिनसे आप लोगों को ईजी हो जाए समझाने में, ठीक है। सो यार, कीबोर्ड भी काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है यार। इसमें जिनसे टाइपिंग स्पीड और इमोजीज वगैरह जिनसी हैं वो काफ़ी जिनसे ईजीली जिनसे हैं टाइप हो जाते हैं, और अनलिमिटेड जिनसी है इसमें, और है भी ऑटो कैपिटल। अगर एक बार आप इसे कैपिटल कर दोगे तो दोबारा ही आपके पास से जिनसे है स्मॉल लेटर्स में नहीं आएगा। सिंपल आप हम लोगों ने जिनसे इसका डाटा क्लियर कर दिया, सिंपल से हम लोग इस ऐप को जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे, सबसे पहले आप लोगों के पास ये इस तरह का परमिशन मांगेगा। फिर आप लोगों ने अगर ओके करना ओके कर देना, तो अंदर कट कर दो, ठीक है। आप लोगों ने जैसे इसको कट करोगे, आप लोगों ने इसकी परमिशन वगैरह दे देनी है। परमिशन देने के बाद जैसे आप लोग इसे कीबोर्ड को जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे, तो आप लोगों के पास सबसे पहले लैंग्वेजेस वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। लैंग्वेजेस में आप लोगों ने चले जाना है। लैंग्वेजेस में जाने के बाद सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इसमें कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर तो आप लोग का जैसे है इंग्लिश में सिंपल जैसे हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अगर आप लोग वो तो आप लोगों ने सिंपल से इंग्लिश में यूज़ कर लेनी है। अगर वैसे आप लोगों ने किसी के साथ और कुछ करना है तो इसमें बहुत सी लैंग्वेजेज़ हैं, आप लोगों ने सब लोग डाउनलोड कर लेनी, नीचे डाउनलोड भी है, डाउनलोड भी कर लेनी है। और जैसे ये लैंग्वेजेज हैं सब लोग, सब आप लोगों ने डाउनलोड करके इस कीबोर्ड में यूज़ कर सकते हो। बट सिंपल आप लोग जैसे इस टाइम आप लोगों ने सिंपल इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आप लोगों ने यूज़ कर लेनी है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बैक आ जाए, बैक आने के बाद इसमें थीम्स है, थीम्स इसमें काफ़ी अच्छे थीम्स है, बहुत से थीम्स इसमें हैं। अब जिनसे आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने सभी आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, वो जिनसे थीम था वो ये वाला थीम था, ठीक है, ब्राउन थीम था, सो कॉफ़ी वाला। तो सो गाइस, इसमें जिनसे और भी थीम है, जैसे अभी पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, सो बहुत से थीम्स इसमें। सो आप लोग कोई भी इसमें थीम जिनसे है वो आप लोग लगा सकते हो। सबसे पहले जैसे कि मैं भी पिंक जिनसे पिंक वाले थीम के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, बस ये पिंक वाला थीम इसमें लग गया है। सो आप लोग चेक कर सकते हो, अभी ये देख सकते हो आप लोग जिनसे हमारे पास कीबोर्ड है ना, ये बिल्कुल सिंपल है। अभी हम लोगों ने इसको स्टाइलिश जिनसे आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा है वो आप लोगों ने किस तरह बनाना है, सिंपल से आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जिनसे कस्टमाइज़ की जैसे लिखा होना, कस्टमाइज की इसमें आ जाना, आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो सिंपल से आप लोगों ने गाइस क्या करना है, जैसे आप लोगों ने ना किसी चीज़ को ना कुछ गलत नहीं कर देना, ठीक है। सबसे पहले जिनसे ऊपर ही आप लोगों के पास स्पेस नज़र आ रही होगी, खाली स्पेस है, ठीक है, बिल्कुल इसमें कुछ लेटर्स वगैरह कुछ भी इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना इसमें कोई लेटर्स वगैरह लिखे ना ही कुछ इसमें कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल से ये सिंपल कीबोर्ड है, ठीक है। आप लोग इसको स्टाइलिश कीबोर्ड कैसे बनाए, सबसे पहले आप लोगों ने जैसे इसको फिलअप करना है, ठीक है। जैसे आप लोग सेम जैसे आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों ने फर्स्ट नंबर पर आप लोगों ने इमोजी लगा देनी है, इमोजी जहाँ से ये नीचे इंटर का इंटर होते हैं, इंटर पर आप लोगों ने लॉन्ग प्रेस करने और आप लोगों के पास इमोजीज वाला जिनसे है ऑप्शन जिनसे ओपन होकर आ जाएगा। सिंपल से आप लोगों ने कोई भी इमोजी इसमें ना अपनी मर्जी से लगा देनी, जैसे मैं भी कोई भी इमोजी इसमें ना सेट कर देता हूँ, सेव इसमें जिनसे सेव लिखा हुआ है, सेव वाला ऑप्शन पर मैं जाकर इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जिनसे सेव वाला ऑप्शन इस पर मैं जाकर जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारे पास जिनसी है फर्स्ट पे जिनसी इमोजीज हैं जिनसी ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। सो गाइस, इसमें आप लोग अनलिमिटेड इमोजीज भी ऐड कर सकते हो, बट अगर आपने ना आप लोगों ने सिंपल जिनसी दो इमोजीज ऐड करनी है, ठीक है। अगर ज़्यादा करोगे तो फिर आप लोगों के पास जिनसा कीबोर्ड है वो जिनसा है थोड़ा सा लैक हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, बस सिंपल दो इमोजीज आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने, सेम इस तरह जिनसे आप लोग सेकंड पे भी हम लोग चले जाते हैं। सो गाइस, इसमें भी आप लोगों ने इस तरह सेम इमोजीज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसमें से कोई भी इमोजीज जिनसी हैं वो ऐड कर देनी है, ठीक है। जिससे हम लोगों ने सेव कर देना, सेव करने के बाद अच्छा होगा, इधर से जो मैं वीडियो को सेव कर देता हूँ, जिनसे इसमें इमोजीज वगैरह ऐड करने का टाइम लग जाएगा। सो जब इसमें जो इमोजीज ऐड हो जाएंगी फिर मैं और वीडियो आ जाऊँगा इंशाल्लाह। सो गाइस, आप चेक कर सकते हो इसमें जिनसी इमोजीज ऐड हो चुके हैं, सिंपल से बस एक इमोजी रह गई, वो भी मैं जल्दी से इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से हमने इमोजीज वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद इसमें कोई सी भी यार एक इमोजी जिनसी है वो ऐड कर देनी है। जैसे इधर से मैं जाता हूँ, जिनसी कोई भी एक इमोजीज है मैं इसमें अच्छी सी इमोजी आप लोगों ने ऐड कर देनी है, सेम इसी तरह जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है।
ऐसे ऐड करने के बाद आप लोग चेक कर सकते हो जिनसे हमारे पास सुपर फास्ट रिलेजन सेशन था, टॉप पर हमारे पास जिनसे इमोजीज वगैरह सब कुछ ऐड हो चुका है, ठीक है। सो अब जिनसे नीचे जिनसे नेक्स्ट सेशन जहाँ पर हम लोगों ने अल्फाबेट जिनसे ऐड करने वो कैसे ऐड करने हैं, सिंपल से आप लोगों ने सेम इसी तरह जैसे इमोजीज ऐड किए इसी तरह से आप लोगों ने जैसे फिर फर्स्ट लिखा हुआ यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये इस पर इसको कैपिटल कर देना। कैपिटल करने के बाद आप लोगों ने जैसे क्यू है क्यू को तीन बार टाइप कर देना है और नीचे जैसे नीचे भी आप लोगों ने जितनी आप लोगों की लिमिट जैसे आप लोग क्यू 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 जैसे मैं लिख लूँ सेम आप लोगों ने इसी तरह टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आप लोगों ने सेव कर देना। सेव करने के बाद सेम इसी तरह आप लोगों ने सेकंड वर्ड जैसे कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू को कैपिटल करके जितनी तीन से तीन बार चार बार जितनी बार कर सकते हो करना। और जिनसे नीचे जिनसे है ना मैं जैसा लिखा ना बटन बटन वैल्यू इस पे आप लोगों ने जिनसे अनलिमिटेड जिनसे है ना कैपिटल जिनसे सॉरी लेटर जिनसे आप लोगों ने टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे डब्ल्यू को मैं अनलिमिटेड जैसे मतलब कि 10 बार 12 बार जिनसे है ना इसको मैं जिनसे है पेस्ट टाइप कर देता हूँ जिसमें इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप लोग चेक कर सकते हो हमारे पास जिनसे डब्ल्यू और क्यू जिनसे दोनों ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप लोगों ने मैं इस वीडियो को सेव कर देता हूँ। दोबारा से जैसे ये हो जाएंगी ना लेटर जैसे कंप्लीट हो जाएंगे मैं इंशाल्लाह दोबारा से वन वीडियो आ जाऊँगा। अच्छा सो गाइस इसमें ना जो एक चीज़ थी वो आप लोग मैंने ये बतानी थी कि इस पर अब जो है ना ये देखिए अभी इसमें आप लोगों ने अगर इसको मैथ की बोर्ड बनाना है सिंपल आप लोगों ने इसको थ्री में टाइप कर देना है। तीन से चार बार टाइप कर देना है। सेम इसी तरह जैसे डब्ल्यू को टाइप किया हम लोगों ने ना थ्री को भी टाइप कर देना है चाहिए सेम इसी तरह, ठीक है। और इसे हम लोगों ने सेव कर देना है, ठीक हो गया। अभी इसमें जिनसे वीडियो को स्किप करता हूँ। सो गाइस इसमें जैसे लास्ट है ना मेरे पास अभी लाइक लास्ट लेटर रह गया वो भी एम में, सो जिसमें जल्दी से एम को तीन से चार बार टाइप करके जिनसे इसके लिमिट अनलिमिटेड में इसमें जिनसे एम टाइप कर देता हूँ इसमें सेव कर देता हूँ। सो गाइस इतना करने के बाद आप लोग चेक कर सकते हो हमारे जिनसे की बोर्ड वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें जिनसे कुछ लेटर भी मैंने डाले हैं मैथ्स की बोर्ड में जैसे ई थ्री हो गया और फाइव हो गया ई और एस को हम लोग कहते हैं, ठीक हो गया। इतना करने में हम लोगों ने बैक आ जाना। बैक आने के बाद सो गाइस सभी मैं आप लोगों ने सबसे पहले मैं चेक करा देता हूँ, ठीक है। की बोर्ड सो गाइस ये मैं दोबारा ऐसे बंदे को जिनसे मैसेज करता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप लोग चेक कर सकते हो देख सकते हो आप लोग जिनसे अभी आप लोगों ने टाइप किसने करना है जैसे टी है ना टी को लॉन्ग प्रेस करनी है टी ई आर अब इसी तरह ए एम के ई इसी तरह ठीक हो गया बी है ना ठीक है। अभी जब फास्ट टाइप किसने होंगे ठीक है एम तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कीबोर्ड जिन से किस आप लोगों ने टाइप करनी है वैसी टाइपिंग स्पीड वो भी आप लोगों ने चेक कर ली होगी। फिर इसमें बैक आ जाते हो अपने जैसे कीबोर्ड की जिन सेटिंग में कीबोर्ड में आप लोगों ने चेक करा देता हूँ। सो गाइस अभी आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने इसे कस्टमाइज की भी होगा कीबोर्ड की साइज़ आप लोगों ने कैसे कितना रखना है इसको थोड़ा सा माइनस करके -4 फर्स्ट वाला जिन से -4 हो गया सेकंड वाला जिन से है लैंडस्केप बाइक जिन से लिखा हुआ उसके ऊपर इसको करना है आप लोगों ने -2 ठीक है। इतना करने से आप लोगों ने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सो गाइस इधर से कुछ आप लोगों के पास एड्स वगैरह आएंगे आप लोगों ने स्किप कर देने हैं, ठीक है। थोड़ी देर आप लोगों ने वेट करना होगा या आगे हमारे पास इधर से हम लोग जिनसे ऐड को स्किप कर देंगे। अब जिनसे टाइपिंग हो गया टाइपिंग भी आप लोगों ने क्या करना है सो इसमें जिनसे पर्सनल डिक्शनरी है ना इसमें आप लोगों ने अपना जिनसे पर्सनल डिक्शनरी टाइप कर सकते लेकिन जिनसे वो सिंपल है हम लोगों के लिए होता है। सो गाइस इसको हम लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। इसको हम लोगों ने छोड़ देना है इधर हम लोगों ने बैक आ जाना और किसी भी सेटिंग को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। साउंड एंड वाइब्रेशन है जिनसे हम लोगों ने ऑफ कर देना है, ठीक हो गया। अभी जिसमें की बोर्ड एक दफ़ा मैं जिनसे इसका जिनसे थीम है वो भी मैं ग्रीन लगा देता हूँ जिसमें बैक आ जाता हूँ अपनी जिनसे है और इधर सब लोग चेक कर सकते हैं जिनसी है इसकी जिनसी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है आप लोग चेक कर सकते हो गाइस कितना अच्छा कीबोर्ड है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो बाइक के चैनल है जिस चैनल तक फिर इसको लाइक सब्सक्राइब कर जरूर कर देना बेल वाले आइकन पर क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाली मजीद वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए। शुक्रिया। और जिनसे इस कीबोर्ड को डाउनलोड कैसे करना है जिसके जिनसे लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।